पप्पू जी बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। मैडम पप्पू नहीं संतोष तिवारी बोल रहे बमोरी बड्डा से। क्या समस्या आ रही है जान सकती हूँ? मैडम हमारे माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जी को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए इस संबंध में शिकायत है मैडम हमारी। हमारा संतोष तिवारी बमोरी बड्डा। वीडियो बिल्कुल सत्य है का हम किसान आदमी हैं लेकिन वोट देश में भाजपा को, लेकिन मंत्री जी के माध्यम से अपन ने मोदी तक वोट पहुँचाई। फिजी क्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने तिली रोड सागर। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान के करीबी और सागर जिले के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह को इस बार जगह नहीं मिल पाई है। इसके बाद उनके समर्थकों में निराशा है। भूपेंद्र सिंह लगातार तीसरी बार खुरई विधानसभा से जीते हैं, वहीं इसके पहले दो बार और सुर्खी विधानसभा से विधायक चुने जा चुके हैं। भूपेंद्र सिंह पिछले 10 साल से शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, जिसमें उन्हें गृह विभाग, परिवहन और नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वहीं इस बार उन्हें जगह नहीं मिल पाई है। इसके बाद खुरई के एक व्यक्ति का कथित ऑडियो सामने आया है, जिसमें उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते हुए भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाने की गुहार लगाई है। शिकायत करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम संतोष तिवारी बताया है, जो खुरई का बमहोरी हुड्डा का निवासी बताया जाता है। वहीं ऑडियो वाला व्यक्ति ने बताया कि संतोष तिवारी बमहोरी हुड्डा वीडियो बिल्कुल सत्य, हम काहे की किस आदमी वोट देते हैं भाजपा को, लेकिन मंत्री जी के माध्यम से माननीय मोदी तक वोट पहुंचाइए, इसे पहुंचाइए, क्योंकि मंत्री जी ने खुरई में इतना विकास किया कि मध्य प्रदेश में मॉडल के रूप में है। खुरई का विकास करो, खुरई की जनता जीतनी है, सभी दुखी है, किसान है, लेकिन जब से बीजेपी पार्टी आई है, जब से बीजेपी को वोट डाल रहा है। पप्पू जी बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैडम पप्पू नहीं संतोष तिवारी बोल रहे बमोरी बड्डा से। क्या समस्या आ रही है जान सकती हूँ? मैडम हमारे माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जी को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए इस संबंध में शिकायत है मैडम हमारी। नमस्कार, मैं सीएमएल से मोनिका बात कर रही हूँ। पप्पू जी बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैडम पप्पू नहीं संतोष तिवारी बोल रहे बमोरी बड्डा से। जी बमोरी बड्डा तहसील खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश। क्या समस्या आ रही है जान सकती हूँ? मैडम हमारे माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जी को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए इस संबंध में शिकायत है मैडम हमारी। विधायक जी को क्या बनाया जाए? कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। सर आप मुख्यमंत्री कार्यालय जगह विधि जी संबंध में हमारे यहाँ शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। मैडम मुख्यमंत्री सीएम हेल्प लाए तो इस पर शिकायत दर्ज करवाएंगे हम, और कहाँ करवाएं बताओ। मुख्यमंत्री कार्यालय जाके आवेदन दीजिए। मैडम जब ये हेल्पलाइन है 181 तो इसी पर कह रहा है कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी जो हमारे खुराई से विधायक हैं इनको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। जी मैडम नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन से अनामिका बात कर रही हूँ। बताइए पप्पू तिवारी जी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? मैडम पप्पू नहीं संतोष तिवारी बोल रहे बमोरी हुड्डा तहसील खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश। क्या समस्या आ रही है? जी मैडम खुरई विधानसभा में हमारे जो माननीय भूपेंद्र भैया जी हैं विधायक जी, इनको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए इस संबंध में मैडम शिकायत है हमारी। किसको मंत्री बनाया जाए सर? कैबिनेट में मंत्री नियुक्ति करवाना चाहते हैं। जी मैडम माननीय भूपेंद्र भैया की जो जब नियुक्ति हुई है कैबिनेट विस्तार हुआ है माननीय मंत्री जी का, उसमें मंत्री बनाया जाए। लेकिन माफी चाहते हैं नियुक्ति से संबंधित है कि कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है। मैडम ये सीएम हेल्पलाइन है तो इसी पे दर्ज करवाएंगे शिकायत, आप बताइए और कहाँ जाए फिर। लेकिन आप किसकी नियुक्ति करवाना चाहते हैं? माननीय भूपेंद्र भैया जी विधायक हैं जो हमारे, उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। हाँ जी, लेकिन ऐसी कोई नियुक्ति की शिकायत संबंधित दर्ज नहीं होती, इसके लिए विभाग में आवेदन दीजिएगा। मैडम ये शिकायत सीएम हेल्पलाइन ही तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप संदेश पहुँचाइए। ऐसे आप किसी को नियुक्त करवाना चाहते हैं तो ऐसे नियुक्त नहीं किया जाता, उसके लिए विभाग में सूचना दीजिए, आवेदन दीजिए, जो भी आपका विभाग है। तो मैडम आप हमारी ये शिकायत मोहन जी तक पहुँचा दीजिए। माफी चाहते हैं सर, ऐसी नियुक्ति से संबंधित कंप्लेंट दर्ज नहीं की जा सकती, विभाग में आवेदन दीजिएगा।
वहाँ से उनको आदेश मिलेगा तो फिर उनको नियुक्त किया जाएगा। बाकी ऐसे नियुक्ति से संबंधित डायरेक्ट कंप्लेन दर्ज नहीं होती है। मैडम कंप्लेन नहीं कर रहे, हम ये सुझाव बोल रहे हैं मैडम, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दीजिए आप। आपने इस संबंध में सूचना कहाँ दी है सर? मैडम हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे विधायक जी दो बार मंत्री रह चुके हैं तो इनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मोहन जी के कार्यकाल में नहीं बनाया गया। ऐसी कोई भी जानकारी नहीं उपलब्ध होती है, ना ही ऐसी कोई शिकायत दर्ज की जा सकती है, माफी चाहते हैं। बमोरी हुड्डा गांव से संतोष तिवारी बोल रहा था, हमारे विधायक भूपेंद्र सिंह जी को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए, ये शिकायत है विधायक जी को, क्या बनाया जाए कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। हमारा संतोष तिवारी बमोरी हुड्डा, जो आपने कल शिकायत की है 181 पे माननीय जी को मंत्री बनाने के लिए, माननीय भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाने के लिए, क्या सत्य है वीडियो आप ही ने की है फिर और किसी की रिकॉर्डिंग? वीडियो बिल्कुल सत्य है, कहे हम किसान आदमी हैं लेकिन वोट देश में भाजपा को, लेकिन मंत्री जी के माध्यम से अपन ने मोदी तक वोट पहुँचाई। ये सब पहुँचाई कि मंत्री जी ने खुरई में इतना विकास करो कि मध्य प्रदेश में मॉडल के रूप में है, लेकिन खुरई को विकास अवरुद्ध करो, इसको खुरई की जनता जितनी है सब दुखित है इस बात। क्या पुराने पार्टी के व्यक्ति हैं या फिर आप किसान हैं? देखो किसान जब से बीजेपी पार्टी आई है तब से बीजेपी को वोट डाल रहे सब, आज तक कौन पार्टी को वोट नहीं डाल रही, और वोट हमेशा बीजेपी को डाल रहे हैं। लेकिन दुख इसी बात का है कि इतने अनुभवहीन हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, इनको पद ना देना बहुत हमारे को बहुत दुख हुआ। क्या चाहते हैं आप 181 में शिकायत करने के बाद में? आपने जो की माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी को हमें कैबिनेट में जगह दी जाए। आपको क्या क्या लाभ मिली? अब हमें तो लाभ ऐसे, हम तो भैया सामान्य वर्ग से आते हैं तो लाभ तो ऐसा ज्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन अपने ग्रामीण में बहुत ज्यादा विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में या खुरई में देख लो, पूरे में कहीं भी कोई गरीब व्यक्ति के लिए किसी को दिक्कत नहीं है कहीं। आपकी पार्टी के व्यक्ति तो नहीं है? पार्टी के आम कार्यकर्ता तो नहीं है? पार्टी के आम कार्यकर्ता है भैया हम तो, लेकिन किसान भी हैं साथ में और वोट बीजेपी को डालते हैं। ये नहीं कि भैया अपन बड़े नेता भी नहीं है, लेकिन अपन को दुख बहुत हो रहा है इस बात का। मान्य जी को मंत्री पद नहीं मिला है, इससे मैं आपको दुख है भाई। खुरई का विकास अवरुद्ध हो रहा है इसमें, खुरई पूरे मध्य प्रदेश में एक मॉडल के रूप में पेश करते मंत्री जी माननीय। आप चाहते हैं माननीय जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी विधायक जो हैं अभी, वो मंत्री जी बने? बिल्कुल कैबिनेट में मंत्री बने, और आप मनमोहन जी तक ये हमारा मैसेज पहुंचाइए, वो मनमोहन जी मोदी जी तक पहुंचाएं कि भैया ऐसा विकास अवरुद्ध मत करो, हम लोग बहुत दुखी हैं। मोहन जी माननीय मंत्री जी को जगह कैबिनेट में जरूर देवे, जो हम माने पूरे खुरई, पूरी खुरई से हम लोग पूरे किसानों की न सब पूरे खुरई क्षेत्र की मांग है कि माननीय जी को कैबिनेट में कोई जगह कुछ भी पद दिया जाए, मनो कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, दिल्ली रोड, सागर।